राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा परमो धर्म का अनुकरण अब पूरा विश्व करने लगा है। तभी तो महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर बुर्ज खलीफा जैसी विश्वविख्यात इमारत को तिरंगे की रोशनी से रंग दिया गया था, तो विभिन्न देशों के गायकों ने गांधी जी का भजन गाकर उन्हें अभिवादन किया। समूचे विश्व को अहिंसा की राह पर चलकर शांति और अमन का संदेश देने वाले शांति दूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में मनाई गई। हिंसा के खिलाफ अहिंसा का हथियार उठाने वाले महात्मा गांधी की विचारधारा विश्व के हर कोने में पहुंच चुकी है और हर देश उनके विचारधारा का आदर सम्मान और अनुकरण कर रहा है। तभी तो दुबई जैसे इस्लामिक नेशन की जगत विख्यात बुर्ज खलीफा इस इमारत को भारतीय तिरंगे की रोशनी से रंग दिया गया था। वहीं शांति के रंग नीले रंग से भी बुर्ज खलीफा को रंग दिया गया था। गांधी जी के 150वें जयंती के उपलक्ष्य में दुबई सरकार द्वारा की गई इस पहल से महात्मा गांधी की महानता सिद्ध होती है। वहीं गांधी जी के 150वें जयंती के अवसर पर गांधी जी द्वारा गाये भजन वैष्णव जनतो तेरने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, इस भजन को विश्व के विभिन्न देशों के गायकों ने गाकर गांधी जी को अनोखी मानवंदना दी है। वैष्णव जनतो तेरने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जनतो तेरने कहिए जे पीड़ पराई